हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जब व्लॉग लिखते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं तो बोलना 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 आता है, इसी तरह हम जब किसी चीज़ को लिखते हैं तो उससे हमें लिखना आता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें व्लॉग से फ़ायदा होता है वो ये कि हमारी राइटिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो जाती है। हमें लिखने का तरीका आ जाता है, कौन सा वर्ड कहाँ रखेंगे, वर्ड को अच्छे से रखने का तरीका आ जाता है। फिर जब उस चीज़ को लिखते लिखते आदत हो जाती है तो हमारे अंदर स्पेलिंग्स, वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, एक इमेजिनेशन भी इम्प्रूव होती है हमारे अंदर कि हाँ चीज़ों को ऐसे लिखते हैं, ऐसे काट छांट करते हैं, कौन सा वर्ड्स अच्छा रखते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमारे अंदर एनालिटिकल स्किल्स आ जाती हैं कि चीज़ों को हम कैसे एनालाइज करें, कौन सा वर्ड कहाँ रखना चाहिए, क्या थॉट हम ला रहे हैं, लोगों को क्या पसंद है, हम चीज़ को कैसे रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ, आप अपडेट रहते हैं, ठीक है, कि जैसे कोई, जैसे आपका पॉलिटिक्स रिलेटेड ब्लॉग है तो आप पॉलिटिक्स की चीज़ों से एकदम अपडेट रहेंगे। आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्लॉग है तो आप टेक्नोलॉजी से चीज़ों से रिलेटेड एकदम अपडेट रहेंगे। आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई सी भी नीश हो, आपकी कोई सी भी फील्ड हो, उसमें आप हमेशा अपडेट रहेंगे, चीज़ों की मालूमात आपको होती रहेगी, कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ पाएगा। जैसे आप यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, आप यूट्यूब की सारी चीज़ों को जानेंगे, अपडेट का आया सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट है, जैसे आपने वेबसाइट बना रखा है, तो वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे चीज़ों को करना चाहिए, ब्लॉग्स कैसे लिखना चाहिए, पोस्ट कैसे लिखना चाहिए, चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए, कौन सा पेज लगाना चाहिए, कौन से थीम लगाने चाहिए, कौन सा इमेज लगाना चाहिए, उसमें कलर्स कौन सा होना चाहिए, ये मैनेजमेंट, वेबसाइट मैनेजमेंट की स्किल्स आपके अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप क्या करते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे क्या करते हैं, उससे आप एक कोर्स डेवलप कर सकते हैं, उससे आप एक किताब लिख सकते हैं, तो आप एक फील्ड में एकदम माहिर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, जब आप ब्लॉग लिखने बैठोगे तो आपके अंदर ये स्किल्स ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने सीखा कि हम ब्लॉग से हमें क्या फ़ायदा होता है, बस इतना इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको नेक्स्ट ये सिखाएंगे।